मेरे चैनल और मैं आज आप सभी के साथ मामा अर्थ का हेयर आर्गन हेयर मास्क का फर्स्ट इम्प्रेशन शेयर करूंगी और उसका रिव्यू भी शेयर करूंगी। मैं इसे आज फर्स्ट टाइम यूज करने वाली हूँ, उसके बाद यूज करके आपको इसका फर्स्ट इम्प्रेशन और इसका रिव्यू शेयर करूंगी कि कैसा हेल्प किया मेरे हेयर में। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि विद आर्गन एवोकाडो ऑयल एंड मिल्क प्रोटीन फॉर फ्रिज एंड स्ट्रॉन्गर हेयर, तो मेरा हेयर काफी फ्रिज है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं और बहुत ज्यादा डल हो गया है। तो मैं इसे यूज करूंगी, मैं फर्स्ट टाइम कोई मैंने बाहर का मार्केट से खरीदा हुआ मास्क यूज करूंगी। मैं हमेशा DIY मास्क ही यूज करती हूँ, तो चलिए देखते हैं ये मास्क कैसा हेल्प करता है मेरे बालों के लिए, उसके बाद मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। थी इस मास्क को तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे अपने हेयर को थोड़ा भिंगा लिया है, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इसे अप्लाई करने में अच्छे से ही अप्लाई हो जा रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मेरे हेयर का कंडीशन ठीक नहीं था इस मास्क को यूज़ करने से पहले, ड्राई था, फ्रिजी था और रफ भी था। तो चलिए देखते हैं इस मास्क को फर्स्ट टाइम यूज़ करने के बाद कुछ डिफरेंस होता है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा हेयर पहले से बेटर कंडीशन में है और अभी उतना फ्रिजीनेस भी नहीं है और ड्राइनेस भी नहीं है और रफ भी नहीं है, सॉफ्ट और सिल्की भी लग रहा है मेरा हेयर, मुझे फील हो रहा है फर्स्ट टाइम यूज़ करने के बाद। मैं अगर इसको ट्वाइस अ वीक यूज़ करते रहूँगी तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप लोग ये मास्क को यूज़ करते हैं तो आप लोग जैसे जैसे इसका रेगुलर यूज़ करते रहेंगे तो आपका रिजल्ट भी उतना अच्छा होते जाएगा। मुझे तो ये मास्क बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करने के बाद भी मुझे डिफरेंस पता चल रहा है, तो मैं इसे अगर रेगुलर यूज़ करूँगी तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये रहा मामा अर्थ का आर्गन हेयर मास्क का आउटर पैकेजिंग जो कि कार्डबोर्ड का बॉक्स है। मामा अर्थ जो ब्रांड है इसका सारा प्रोडक्ट्स नेचुरल होता है, केमिकल फ्री और प्लास्टिक पॉजिटिव होता है। मामा अर्थ जो ब्रांड है ये जितना प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है उससे कहीं ज़्यादा प्लास्टिक ये लोग रिसाइकिल करता है। मामा अर्थ का प्रोडक्ट mamaearth.in अमेजोन और नायका में अवेलेबल है। अगर आप लोग mamaearth.in से खरीदते हैं तो फिर आपको एक कूपन कोड दे दूंगी मैं यहाँ पे, उससे वो कूपन कोड अप्लाई करने से आपको mamaearth.in में 20% ऑफ मिलेगा। ये रहा इस प्रोडक्ट का एक्चुअल पैकेजिंग, ये भी एक प्लास्टिक का ही कंटेनर है। इसमें इसका जो 3 मेन इंग्रेडिएंट है आर्गन, एवोकाडो ऑयल और मिल्क प्रोटीन, ये तीनों ही आपके हेयर को फ्रिज फ्री और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए बहुत हेल्प करता है। और इसका बाकी जो इंग्रेडिएंट है वो सब भी बहुत अच्छा है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये 200 ml का है और इसका प्राइस है ₹599 और इसका लाइफ है 2 ईयर्स का। ये पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री है, हाइपो एलर्जेनिक विथ बायो एक्टिव्स है। चलिए इसका कंसिस्टेंसी देख लेते हैं एक बार। ये क्रीमी कंसिस्टेंसी का है। ये रहा आउटर पैकेजिंग का साइड जहाँ पे लिखा हुआ है कि इसे कैसे यूज करना है, कुछ टिप्स दिया हुआ है और किसके लिए सूटेबल है। ये मेन एंड वुमेन सभी एज टाइप के लिए सूटेबल है, ड्राई डैमेज कलर केमिकल ट्रीटेड हेयर वालों के लिए भी सूटेबल है और इसे सभी हेयर टाइप्स वाले यूज कर सकते हैं। स्पेशली कर्ली हेयर इसीलिए लिखा है क्योंकि कर्ली हेयर जिनका होता है उनके हेयर थोड़ा ड्राई और फ्रिजी रहता है। इसीलिए इसे कैसे यूज करना है, आपको अपने हेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, उसके बाद इसे रूट टू टिप तक लगाना है, स्कैल्प में नहीं लगाना है, इसे 15 to 25 मिनट्स तक रख लेना है, उसके बाद कोई भी सल्फेट फ्री शैम्पू से वॉश कर लेना है। अगर आपका हेयर ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी है तो इसे वीक में ट्वाइस ही यूज़ कीजिए और अगर आपका कम है तो वंस अ वीक की यूज़ कीजिए। मैं इस मास्क को जब यूज़ की आपके सामने तो मैं उसके बाद इसे नॉर्मल वाटर से ही वॉश की हूँ, शैम्पू से वॉश नहीं की हूँ क्योंकि मैं इस मास्क को लगाने से एक दिन पहले ही शैम्पू की थी तो मेरा हेयर क्लीन था। इसीलिए मैं मानती हूँ कोई भी मास्क यूज़ करने के बाद उसे शैम्पू से नहीं धोना चाहिए, तो फिर आप लोग भी इसे यूज़ करने से पहले शैम्पू से धो लीजिए, उसके बाद आपका हेयर जब हल्का हल्का भीगा रहेगा तभी आप इस मास्क को यूज़ कीजिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जब मैं इसे आज ड्राई हेयर में लगा रही थी तो तभी मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम फेस हुआ, तो इसीलिए मैंने फिर उसके बाद थोड़ा अपना बाल को भीगा लिया उसके बाद मास्क को यूज़ किया, क्योंकि थोड़ा भीगा बाल में अच्छे से मास्क अप्लाई होता है, एकदम ड्राई हेयर में मास्क अप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत होता है।